हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं आपको मदर ऑफ थाउजेंड्स प्लांट्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसमें इंटरेस्ट है तो शुरू से आखिरी तक देखें। फ्रेंड्स, ये सैकुलेंट प्लांट है, आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे कि इसकी देखो लीव्स जैसे ये थिक है, और इसमें सैकुलेंट जैसे जेट प्लांट में पानी स्टोर रहता है, इसके लीव्स में भी वैसे ही पानी स्टोर रहता है। तो इसे भी वही सॉइल चाहिए लगाने के लिए, और वैसे ही सनलाइट चाहिए इसे। सॉइल इसके लिए 1/3 कोकोपीट, 1/3 बजरी और 1/3 अपना गार्डन सॉइल। इसको मिला के ड्रेनेज वगैरह अच्छे से कर लें, क्योंकि ये सैकुलेंट है तो इसको ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर डालना है इसमें, तो इसलिए अपन को ड्रेनेज अच्छा रखना है इसका। ड्रेनेज सही होना चाहिए इसका, और जब ये सर्वाइव करेगा। सनलाइट इसको दो से तीन घंटे की सनलाइट तो जरूरी है इसके लिए। जैसे अपन को जेट प्लांट सैकुलेंट प्लांट के लिए जरूरी है कि वो धूप उसे चाहिए, तभी वो इसको धूप पसंद रहती है। और आप इस प्लांट को देखिए, इसके जो लीव्स होते हैं इसी पे ये प्लांट्स, ये मोती जैसे लग रहा है। ये लीव्स नहीं है, प्लांट्स ही हैं। ये गिर जाएंगे और अपने आप ग्रो हो जाएंगे। तो इसको आप एक ऐसे लगाएं कि अकेला तो नीचे गिरेगा, तो अपने आप अपने प्लांट्स इसमें से ग्रो हो जाएंगे, बेबी प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाएंगे। आपको मैं दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे ये जेड प्लांट के अंदर ही ये बेबी प्लांट्स लग रहे हैं। ये भी बेबी प्लांट से ही लगे हुए हैं। तो मैंने इसको निकाला नहीं था उस टाइम पे, मैं देखना चाहती थी कि ये और ये एक ही कंडीशन में रह सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं। तो ये दोनों अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। अब इसके नीचे अपने थाउजेंड्स में बेबी प्लांट्स निकले आए हैं, ये देखिए। इसीलिए इसको थाउजेंड्स, मदर ऑफ थाउजेंड्स बोलते हैं, क्योंकि इसके लीव्स में अपने आप बच्चे मतलब प्लांट्स निकलते हैं। तो अपन को कंडीशन वही चाहिए, इसको वही लाइट चाहिए, वही सॉइल चाहिए, मतलब सब कुछ अपन को जो सैकुलेंट जेट प्लांट में चाहिए वही मदर प्लांट को चाहिए। तो अब आपको मैं इसको ग्रो भी करके दिखा देती हूँ। और ये अपने आप में एक फ्लावर जैसा दिखता है, ये देखिए इसके लीव्स। ये मेरा बाहर लगा हुआ था, बाउंड्री के बाहर लगा हुआ था, तो ये देखिए इसकी जो लीव्स ये खराब हो रही थी, इसे कट कर देंगे। अपने आप में एक फ्लावर है, बहुत सुंदर लगता है। ये बाउंड्री से जो अपन निकाल के लेके आए हैं, इस प्लांट को मैं इसमें रिपोर्ट कर दूंगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा गमला लें, या तो जो इसके बेबी प्लांट्स ये नीचे गिरेंगे ना अपने, तो ये इसी में ग्रो हो जाएंगे। और इसकी रूट्स कुछ ज्यादा नहीं होती हैं, तो ज्यादा बड़ा वो नहीं लेना, ऐसे चौड़ा ले लें, ठीक है वो भी चलेगा। तो इसको लगा देते हैं अपन। जैसे पता है पानी इसको अपन को इतना ज्यादा नहीं देना है। यदि पानी 2-1.5 इंच उंगली लगा के देख लें, जब वो ड्राई हो तभी इसको पानी दें, जैसे जेट प्लांट को देते हैं उसी प्रकार से। और ये अपने आप में ही एक, देखो अपने आप में ही फूल लगता है, जैसे फ्लावर जैसे। तो इसलिए आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।